आखिर आज उस राज का पता लग ही जाएगा जिसका इतने दिनों से मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शिखर को आखिरकार अपना शुभचिंतक अपनी आंखों के सामने देख बस यही ख्याल उसके मन में आ रहा था। भागने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, बेहतर यही होगा कि हम सब आराम से बैठकर बात करें। शिखर अपने शुभचिंतक को बोलता है, आप सब बिना इजाजत के अंदर कैसे आ गए? मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। इतना बोल शुभचिंतक पास में रखे फोन को उठाने ही जा रहा था कि शिखर शुभचिंतक के हाथ पड़ने से पहले ही फोन को वहां से उठा लेता है। शिखर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए, फिर जिसको मर्जी बुला लेना। शुभचिंतक हैरान होते हुए बोला, कौन से सवाल, क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शिखर शुभचिंतक के करीब आते हुए पूछता है, मैं तो तुझे जानता भी नहीं, ना ही कभी जिंदगी में तुझसे मिला, फिर तूने मुझे ये 50 करोड़ रुपए क्यों दिए? 50 करोड़ रुपए? तुम्हें देना छोड़ो, इतनी बड़ी रकम तो मैंने भी अपनी जिंदगी में कभी एक साथ देखा भी नहीं है। शुभचिंतक चौंकते हुए बोलता है, कल सामने आकर खुद तुमने शुभचिंतक होने की बात कबूल की है और अब नाटक कर रहे हो। शिखर अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोलता है, अब वो तो मुझे पैसे देकर बोलने को बोला गया था, मैं तो बस एक अभिनेता हूँ। शुभचिंतक मासूमियत भरे आवाज में बोला। शिखर को यह सुनकर गुस्सा आता है और वो सीधा उसका कॉलर पकड़ लेता है। क्या मजाक चल रहा है ये? शीना आगे बढ़ते हुए शिखर को शांत कराती है और उसके हाथों से अभिनेता का कॉलर छुड़ाती है। अभिनेता भी अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मांगते हुए उसके पास फोन पर आए संदेश में लिखे अनुदेश दिखाता है। अभिनेता एक एक करके सारी बातें उनके सामने बताता है कि कैसे शुभचिंतक ने उसे पैसे दिए और फिर बबीता से झूठ मूठ मिलने का नाटक और कल कार में आकर धमकी देना। सब असली शुभचिंतक का शिखर को सबक सिखाने की बस एक योजना थी। जैसे जैसे अभिनेता अपनी बात रखता गया, शिखर को भी आभास हो गया कि शायद फिर से शुभचिंतक उससे एक कदम आगे निकला, मगर अभी भी वो ये बात पूरी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं था। शिखर अपना फोन निकालते हुए बोलता है, मुझे पता है इसका सच कैसे सामने लाना है। इतना बोलकर शिखर शुभचिंतक के नंबर पर फोन लगा देता है। अभिनेता का फोन सामने था। शिखर उसके घंटी बजने का इंतजार कर रहा था। शिखर के फोन से तो घंटी बजने की आवाज आ रही थी, मगर अभिनेता का फोन वैसे ही पड़ा हुआ था, उस पर कोई फोन नहीं आ रहा था। अभी शिखर का फोन दूसरी ओर से काट दिया जाता है और एक संदेश आता है। शिखर हिम्मत करके संदेश पढ़ता है। जैसे ही वो संदेश पढ़ता है, उसका सर झुक जाता है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है। शीना उसका गिरा हुआ फोन उठाकर उस पर संदेश पढ़ती है, कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला, बेहतर यही होगा कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, आपका शुभचिंतक। कुछ देर बाद शिखर अपने होटल के कमरे में आ जाता है। बबीता वहीं बैठी शिखर का इंतजार कर रही होती है और शिखर को देखकर तुरंत बोलती है, आपके पढ़ने का समय हो गया है, वैसे भी आप आज शेड्यूल से पीछे चल रहे हो। शिखर बबीता के इस कही बात को नजरअंदाज करते हुए बोलता है, तुम्हें अब तक तो पता चल ही गया होगा कि कौन है शुभचिंतक, तो मुझे बता क्यों नहीं रही? आखिर क्यों नहीं मिलना चाहता है वो मुझसे? क्या राज है जो मुझसे तुम सब मिलकर छुपा रहे हो? बबीता शिखर को शांत करने की कोशिश करते हुए बोलती है, जितना जल्दी आपका गुस्सा शांत हो जाए, उतना जल्दी आप पढ़ाई कर पाओगे। इस बार जो किताब मिली है वो इतनी आसान नहीं है। शिखर को पता है कि बबीता के आगे चिल्लाकर कुछ नहीं मिलने वाला। वो अपनी आवाज धीमी और भावुक करते हुए बोलता है, मुझे कैसे भी मिलना है, क्या कोई रास्ता नहीं उनसे मिलने का? बबीता अपने सामने रखे कुछ फाइल से नजरें हटाए बिना बोलती है, माफ करना, पर उनके पास आप जैसे उसे मिलने का कोई वक्त नहीं है। अगर सच में उनसे मिलना चाहते हो तो बच्चों की तरह जिद करने की जगह अपने आप को उस लायक बनाओ। शिखर को बबीता की ये बात थोड़ी देर के लिए शांत कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद शिखर विनम्रता पूर्वक उससे पूछता है, कैसे साबित कर सकता हूँ मैं अपने आप को उनकी नजरों में? मुझ जैसों के लिए उनके पास समय नहीं, तो कौन है वो लोग जिनसे वो मिलना पसंद करते हैं? मैं अपने आप को वैसा बना के दिखाऊंगा। बबीता सरलता से जवाब देती है, बस नामी व्यापारी और बिजनेसमैन मिलते हैं, इनके अलावा किसी और का उनसे मिलना मुमकिन नहीं है। शिखर भी अपनी आंखों में चमक लिए बोलता है, फिर तो मैं भी ये टेस्ट पास करके दिखाऊंगा। शिखर किताबों के बीच एक बिजनेस मैगजीन निकालता है और बबीता को दिखाते हुए बोलता है, अगर इस पत्रिका में मेरी तस्वीर और मेरा नाम इन सब के साथ आता है तो क्या फिर वो मुझसे मिलेंगे? बबीता बोलती है, ऐसे मिलेंगे या नहीं ये तो नहीं पता, मगर हाँ इतना पता है कि ये पत्रिका हर साल एक अवार्ड का कार्यक्रम रखवाती है जिसमें शहर के सारे नामी व्यापारी आते हैं। वो भी आते हैं हर साल इस कार्यक्रम में।
अगर आप अपने आप को इस अवार्ड से में जाने का निमंत्रण हासिल कर पाए तो आप उनसे मिल सकते हो। ये सुनते ही मानो शिखर के मन में उम्मीद की एक किरण जाग गई। दोपहर का वक्त है, शिखर अपने कमरे में अकेला बैठा होता है, तभी उसे एक फोन जिसे देखकर वो चौंक पड़ता है, क्योंकि फोन होता है उसके होटल के पुराने मालिक और अनन्या के पिता मिस्टर शाह का। शिखर भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर इनका फोन क्यों आ रहा है मुझे। फोन उठाते ही पहले तो मिस्टर शाह शिखर और होटल का हालचाल जानते हैं, फिर सीधा मुद्दे पर आते हुए बोलते हैं, मुझे आपसे एक अनुग्रह करना था। शिखर भी उत्सुकता दिखाते हुए पूछता है, हाँ बताइए प्लीज, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मिस्टर शाह एक गंभीर आवाज में बोलते हैं, वो दरअसल मैं अभी शहर के बाहर हूँ और अनन्या ने भी अपना हाथ तोड़ लिया है, कुछ काम नहीं किया जा रहा उससे। क्या मैं आपसे ये आग्रह कर सकता हूँ कि जब तक मैं नहीं आ जाता आप उसका ख्याल रख सकते हो। वैसे तो किसी नौकर को भी ये काम करने को बोल सकता था, मगर अनन्या ने तुम्हारी मेरे सामने जितनी तारीफ की उसे सुन मुझे लगा कि इस काम के लिए तुम ही सही इंसान हो। शिखर ने बिना सोचे मिस्टर शाह को उनके काम के लिए हाँ बोल दिया और उन्हें आश्वासन देने के बाद ही फोन रखा। शिखर तुरंत होटल में अनन्या के कमरे में जाता है। शिखर को कमरे के अंदर आता देखकर अनन्या अपना हाथ झूठा मूठा सहलाना शुरू कर देती है। शिखर आकर अनन्या से पूछता है, क्या हो गया इस हाथ को अब। अनन्या भोली सी आवाज में जवाब देती है, वो कुछ सामान उठाते हुए फिर हाथ पर गिर गया, अब दर्द जो हो रहा है रुक ही नहीं रहा। शिखर आवाज थोड़ा ऊंचा करके बोलता है, क्या जरूरत थी तुम्हें कुछ करने की, किसी को बुला लिया होता। अनन्या जवाब देती है, अब हर छोटी बात के लिए किसी को थोड़ी ना परेशान करूंगी। शिखर हक से उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोलता है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हारे साथ इसी कमरे में रहूंगा, तुम्हारा ध्यान रखने, ताकि तुम हर छोटे मोटे काम के लिए मुझे परेशान कर सको। अनन्या एक शंका प्रकट करते हुए बोलती है, मगर लोग क्या कहेंगे, हम दोनों ने अगर ज्यादा वक्त एक ही कमरे में रहना शुरू कर दिया तो। शिखर अनन्या की आंखों में आंखें डालकर बोलता है, मिस्टर शाह से मैंने बात कर ली है, उन्हें और मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर बाकी कोई क्या सोचता है, मुझे उसकी परवाह नहीं। शिखर के इस प्रस्ताव को अनन्या मना नहीं कर पाई। देर रात शिखर अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रहा होता है। उसे देख रवि बोलता है, अब तो तुम नाइट क्लब के मालिक बन चुके हो, हर रात इसी कमरे में गुजारने की जगह एक बार उधर भी चक्कर लगाओ। शिखर एक गंभीर चेहरे के साथ जवाब देता है, शुभ चिंतक से मिलने का ये मौका मैं नहीं गवा सकता, पहले बहुत बार फेल हो चुका हूँ, इस बार फिर से नहीं। रवि हिचकिचाते हुए पूछता है, वैसे प्रतिभा तो आप में खूब है, मगर क्या आपको सच में लगता है कि आप ये कर पाओगे, इस करोड़ों के शहर में बस एक महीने में ही आपको कुछ ऐसा करना है कि पत्रिका में आपका नाम आए। शिखर एक विश्वास भरी आवाज में बोलता है, ऐसे ही हार भी तो नहीं मान सकता बिना एक बार कोशिश किए। तभी रवि की आंखें चमक उठती है और वो बोलता है, एक सॉलिड आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में, उस अवार्ड के कार्यक्रम में हमें तो बस जाने से मतलब है, अब ये जरूरी थोड़ी है कि नामांकन हो तभी जाएं, क्यों ना आयोजकों से बात करके अवार्ड का कार्यक्रम हमारे होटल में ही रखवाएं, वो भी सस्ते दाम में। शिखर निराशाजनक स्वर में जवाब देता है, नहीं, उनका हर साल का कार्यक्रम का स्थान एक ही होता है, अब हम चाहे कितना भी अच्छा प्रस्ताव क्यों ना दे वो अपनी परंपरा नहीं तोड़ने वाले। शिखर मैगजीन के पन्नों को उल्टाता है और उसमें लिखे लेख को पढ़ते हुए एक तरकीब सूझती है, इनका एक अवार्ड है मासिक उच्चतम कारोबार का, इसमें जो भी हर महीने सबसे ज्यादा अपने व्यापार में मुनाफा करता है किसी भी महीने में उन्हें सम्मानित किया जाता है। एक मिनट, शिखर अपने फोन पर कुछ खोजता है और फिर बोलता है, अगर हम अपने व्यापार में कैसे भी करके 300% का मुनाफा ला सकें तो हमें ये नामांकन मिल जाएगा। रवि फिर एक संदेह पूर्वक स्वर में पूछता है, सोचने में तो अच्छा लग रहा है पर क्या हम ये कर पाएंगे। शिखर विश्वास पूर्वक स्वर में जवाब देता है, हम कर रहे हैं। रात के वक्त शिखर अनन्या की आंखें बंद करवाए उसे सीढ़ियों की ओर ले जा रहा था। एकदम सीढ़ियों के पास पहुंचकर शिखर अनन्या को उसकी आंखें खोलने को बोलता है और अनन्या जैसे ही अपनी आंखें खोलती है खुशी से उसकी आंखें भर जाती है। पूरा होटल सजा हुआ था और सीढ़ियों के नीचे खड़े थे उसके दोस्त और बाकी पहचान वाले जो उसके लिए हैप्पी बर्थडे टू यू गाए जा रहे थे। अनन्या बार बार बस शिखर का शुक्रिया अदा किए जा रही थी उसके जन्मदिन पर यह सारा इंतजाम करने के लिए। अनन्या जैसे ही अपने दोस्तों से बात करने में लग जाती है शिखर भी पार्टी में आई शीना के पास जाकर उससे बातें करने लगता है। शिखर और शीना हंसते हुए बातें कर ही रहे थे कि अनन्या वहां आती है अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ।
और शिखर का उनसे परिचय करवाती है। एक दोस्त तो शिखर और शीना को साथ देखकर बोल देता है, आप दोनों की जोड़ी खूब जम रही है। अनन्या जैसे ही ये सुनती है उसे गुस्सा आता है शीना पर। शिखर और शीना को इतने करीब देखना अनन्या के गुस्से में घी डालने का काम कर रहा था। तभी अनन्या की एक दोस्त पूछती है, वैसे अनन्या तू आज तक सिंगल क्यों है? अनन्या शर्माते हुए शिखर की ओर देखकर कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, अब तक सिंगल ही हो अनन्या, क्यों मेरे जैसा और कोई नहीं मिला क्या? यह आवाज अनन्या के पुराने प्रेमी कबीर की थी, जिसे सुनते ही वो परेशान होने लगी और जैसे ही उसे देखा बिना कुछ बोले नजरअंदाज किए वहां से निकल जाती है किसी और से बात करने के लिए। शिखर को भी ये बात अजीब लगती है और वो उस लड़के से बात करने की कोशिश भी करता है, मगर उसे कुछ पता नहीं लगता कबीर और अनन्या के बारे में। अनन्या मौका देखकर शीना को बगल में अकेला ले जाकर कठोर शब्दों में बोलती है, मुझे सब पता है तुम जैसी लड़कियों के बारे में। शिखर भोला भाला है जिसे तुम्हारी चाल समझ नहीं आती है और ऊपर से अमीर भी है, तो तूने सोचा होगा कि अच्छा बकरा मिला है और इसके अच्छे से मजे लूंगी। क्लब में 50 लड़कों के सामने नाचने वाली लड़की से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। शीना की आंखों में आंसू आ चुके थे और वो अनन्या को पलटकर कुछ बोलना नहीं चाहती थी, बहस नहीं करना चाहती थी। अगर ये क्लब या कहीं और होता तो शीना ने अनन्या को उल्टा सुना दिया होता, मगर अनन्या ने जब उसके मन में शिखर के लिए जो प्यार था उसका मजाक उड़ाया, वो शीना सह नहीं पाई और वो चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए होटल से बाहर चली जाती है। होटल के बाहर शिखर फोन पे होता है और जैसे ही फोन काटता है उसे रोते हुए शीना जाते हुए दिख रही थी। शिखर शीना को रोकता है और पूछता है क्या हुआ। शीना अनन्या के बारे में सारी बातें नहीं बताती, पर शिखर को उसकी बातें सुनकर थोड़ा अंदाजा लग जाता है और शिखर शीना का हाथ पकड़ अंदर की ओर ले जाता है। शिखर शीना को अनन्या के सामने खड़ा करके अनन्या को शीना से माफी मांगने को बोलता है, मगर अनन्या भी उतने ही अहंकार के साथ मना कर देती है कि मैंने जो कहा सब सच कहा, थोड़े समय बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा, और अपनी बर्थडे पार्टी में माफी और मैं मुमकिन ही नहीं है। शिखर अनन्या को समझाने की कोशिश कर रहा होता है मगर वो भी जिद करके बोलती है, शिखर आज तो तुम्हें फैसला करना ही होगा, या तो तुम इसके साथ हो या मेरे, और फैसला अभी ही करना होगा। शिखर को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, अब कैसे निकले इस कश्मकश से, किसको चुनेगा शिखर अनन्या और शीना में से, और क्या उस अवार्ड शो में जाने में सफल होगा शिखर। आगे जानने के लिए सुनते रहिए मिलेनियर डिलीवरी बॉय।